हम नमामि हरि पदम्
कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, राधा रानी की, गिरिराज महाराज की, यमुना मैया की, दाऊ जी महाराज की, ब्रजभूमि की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, नगर देवता की, क्षेत्र देवता की, स्थान देवता की, दुदल हरि बाबा की, भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, अपने अपने गुरु देवता की, अपने अपने माता पिता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम आराध्य माता कात्यायनी की अनंत अनुकंपा एवं कृपा से आज हम और आप मिलकर के आपके इस गांव की इस पावन भूमि पर संत शिरोमणि दूधाधारी बाबा के सानिध्य में आज कथा का तृतीय दिवस तीसरा दिन है। आइए नित्य प्रति की तरह गोपाल जी से अर्जी लगाते हैं और कहते हैं, प्रभु हमारा मन वचन और कर्म आपके चरणों में बंधा रहे और कोई भी विघ्न कथा श्रवण करने में ना पड़े। सभी लोग बड़े भाव से गाते रहेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल Oh,
परमेश्वर कार्य करुणा वरणाले मंदी वाई चक्कर मतर तड़िन दुत बीतंबर धारी बाल कृष्ण लाल की साक्षात गान मई पीत मूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को लक्ष्य करके संपूर्ण जगत को सात दिन में मरने वाले की मुक्ति कैसे हो उसका उपाय बता रहे हैं। अच्छा मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लोग कह रहे थे कि कथा समझ में कम आती है, ऐसा कह रहे थे। किस किसने कथा सुनी है भागवत कथा, कितने लोगों ने सात दिन सुनी है ये बताओ। आज से पहले कभी अच्छा आपने सुनी, आपके समझ में आती है, आपके समझ में हमारी कथा प्रॉपर आती है। आप सब पूछ रहे हैं पीछे वाले आपसे आती है। अच्छा एक बात बताओ, किसी व्यक्ति ने कभी मीठा नहीं खाया कभी भी? हम कहें कि मीठा बड़ा स्वाद होता है। अब आपने कहा कि कैसा होता है मीठा स्वाद, हम कहें कि गुड़ जैसा होता है, आपने गुड़ भी नहीं खाया है। आप कहें कि गुड़ कैसा होता है, हम कहें कि शक्कर जैसा होता है, आपने शक्कर भी नहीं खाया है। अब आप कहें शक्कर कैसा होता है तो हम कहें भाई कैसे समझाएं, तो हमने आपसे कहा कि बूरे जैसा होता फिर बूरा भी नहीं खाया। हम कहें फिर चीनी जैसा होता तो चीनी भी नहीं खाई, कैसा होता है मीठा कभी खाया ही नहीं। तो कितना भी कहें मीठा मीठा मीठा, जब तक आप चखोगे नहीं खाओगे नहीं तब तक आप मीठे का स्वाद नहीं जान सकते। इसलिए हम कितना भी कहें आपको कि अब भागवत चल रही है, श्रीमद् भागवत जी ऐसे ही होती है, लेकिन आपके समझ में तब आएगी भागवत जी जब आप सात दिन निरंतर ध्यान से कथा सुनोगे और यहाँ सुनोगे, फिर उसका मंथन घर पर जाके करोगे। और जैसे मैंने कहा परीक्षित, अब आपकी समझ में आएगी परीक्षित कौन सी बला का नाम है ना, ये क्या बात है परीक्षित। तो आप घर पर नेट गूगल पर जाकर सर्च करो कि परीक्षित कौन था। वैसे परीक्षित कौन है बताओ, पांडवों का पुत्र का जो पुत्र है वो परीक्षित है। पांडवों को तो जानते हो महाभारत की भूमि है ये, कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था। पांडव वो थे जिनके भगवान कृष्ण सहायता करने के लिए रथ चलाने वाले वाले थे, वो थे पांडव पांच, जिनमें सबसे बड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर जी, फिर थे भीम और फिर थे अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव थे। तो ये पांच पांडव थे। करण जो थे कुंती मैया के सबसे बड़े पुत्र थे, जो कुंवारी के पैदा हुए, लेकिन ये राज छुपा हुआ था, इसलिए द्रौपदी मैया के पांच पति थे जिन्हें पांच पांडव कहते थे। ये द्रौपदी मैया जो थी उनके पति थे पांच। अब अर्जुन के पुत्र थे जिनका नाम था अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र जो थे वो थे परीक्षित। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ हुआ था और उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ था, जिस परीक्षित ने पूरी पृथ्वी पर राज किया था। सबसे छोटी उम्र में जो राजा बने उनका नाम परीक्षित था, जिनका भगवान ने गर्भ में जाकर ब्रह्मा अस्त्र से सुदर्शन चक्र से ब्रह्मा अस्त्र को काटा। अब आप सोचो कि ब्रह्मास्त्र कहां से आया है? तो अर्जुन के गुरु के पुत्र थे अश्वस्थामा, उनके गुरु के जो पुत्र थे अश्वस्थामा, उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। अब छोड़ना आता था लौटाना नहीं आता, तो वो आकर के उत्तरा जो थी अभिमन्यु की पत्नी, अब तो बताया ना अभिमन्यु कौन है, कुंती मैया के बेटा है अभिमन्यु, पौत्र नाती, कुंती मैया के नाती कौन है अभिमन्यु,
अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। अभिमन्यु महाभारत में शहीद हो गए, गर्भ में बालक छोड़ गए उत्तरा के, बालक जो गर्भ में था वही परीक्षित बना, वो थे परीक्षित। परीक्षित का अर्थ होता है पराई इच्छा पर चलना। उनका तो नाम परीक्षित था और आप लोग सच के परीक्षित हो। उनको तो एक ऋषि का श्राप लगा हुआ था कि 7 दिन में आपको तक्षक सर्प नसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसे ये श्राप ना लगा हो कि तक्षक सर्प नसेगा और 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु। सबको ये श्राप लगा हुआ है, सबकी मृत्यु 7 दिन में होनी है, सबको काल रूपी तक्षक सर्प सबको डसता है, हर प्राणी को, हर व्यक्ति को खाता है। खाने का मतलब है हम कब तक सुरक्षित हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास, आपको संस्कृत नहीं आती होगी समझ में, ना मैं बताती हूँ हम कब तक सुरक्षित हैं। हम काल के मुंह में बैठे हुए अंदर, और काल ने इतना बड़ा मुंह फाड़ रखा है के अंदर हम बैठे। हमारा जीवन आपका, हमारा नहीं, ये मत सोचना कि मेरा ही, आपका, सबका। इस पृथ्वी पर आने वाले हर व्यक्ति का जीवन जब तक सुरक्षित है, जब तक काल अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। सबका मुंह काल के गाल में रखा हुआ है, सब इंसान काल के गाल में बैठे हुए हैं। हम जब तक सुरक्षित हैं, जब तक काल रूपी सर्प अपना मुंह बंद नहीं कर लेता, और जिस दिन वो अपना मुंह बंद कर लेता है वो द्वार से भीतर भी नहीं बढ़ने देता, वो द्वार पर ही खत्म कर देता है। काल जब आता है किसी की परमिशन लेता है कि मुझे आना है, एंट्री दो, मुझे परमिशन दो, आता है तो पता भी नहीं चलता कहां से आ गया। पर काल के बराबर ईमानदार कोई नहीं है इस पृथ्वी पर। काल इतना ईमानदार है कि एक क्षण आगे ना एक क्षण उसे लगा कि मेरा इन्होंने अपमान कर दिया, क्यों?
क्योंकि कलयुग का असर था ना, कलयुग बैठा था सिर पे। तो उसने क्या किया, उसके पास धनुष और बाण थे, तो बाण से उसने लिया और मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डालकर वहां से चला गया। समीक ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने देखा मेरे तपस्वी पिता के गले में मरा हुआ सर्प डला है, किसने किया ऐसा। तो वहां पर बच्चे पढ़ते थे छोटे छोटे, पहले गुरुकुलों में पढ़ने जाते थे बच्चे। उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित ने ऐसा दुस्साहस किया है। तो समीक ऋषि के पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लेकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से सातवें दिन तुझे सर्प डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। आई बात समझ में? अब बात समझ में आई होती तो तुम ताली बजाते, मैं समझ जाती हूँ कि बात समझ में आई। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले तो सिर पे होके निकल रही थी, अब साइड में होके निकल गई। तो उनको श्राप लगा था। अब सुनो, अपने ऊपर सोचो, सबको अपने अपने ऊपर सोचना है। क्या आपको सात दिन में मरने का श्राप नहीं लगा? आप लगाओ, सोमवार से लगाओ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और फिर सोमवार, मंडे। तो आप बताओ, आप सबके लिए भी सात ही दिन है, आठवां दिन तो नहीं है। इस पृथ्वी पर आने वाले हर व्यक्ति के लिए सात ही दिन है, आठवां दिन नहीं है। इसलिए सबको सात दिन में ही मरना है और सबको सात दिन में मरने का श्राप लगा हुआ। भगवान के 24 अवतार हुए, उनमें से एक अवतार वेदव्यासी का था। वेदव्यासी जिनके सुखदेव जी महाराज 12 साल तक गर्भ में रहे थे, सुखदेव जी महाराज। वेदव्यासी की पत्नी का नाम पिटका देवी था, जिनके गर्भ में अमर कथा सुन के, सुख माने होता है तोता, क्या होता है तोता, तोते का जो रूप था सुखदेव जी महाराज का, वो वेदव्यासी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे और 12 वर्ष के बाद जन्म लेते ही जंगल में चले गए। अब भगवान का अवतार है वेदव्यासी और वेदव्यासी के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। अब सुखदेव जी महाराज परम ज्ञानी थे, इतना उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह ममता आशा तृष्णा गर्भ में से ही नहीं आई। जन्म लेते ही नार होता है ना, नार बच्चे का, उसे कंधे पर डालकर और जंगल की ओर चले गए तपस्या करने। जब परीक्षित को श्राप लगा, कोई ऋषि मुनि संत महात्मा, कोई बड़े बड़े भगवान के अवतारी रूप तक आ गए, लेकिन ये नहीं बता पाए कि सात दिन में मरने वाले की मोक्ष का क्या उपाय है। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने आकर के बताया है कि सात दिन में मरने वाले के मोक्ष का ये उपाय है कि श्रीमद जी का रसपान, श्रीमद भागवत गीता नहीं, भागवत ये पंचम वेद निराला है, इसमें सभी वेदों का, देखो हमारे यहाँ चार वेद हैं, हमारी सनातन संस्कृति में कितने वेद हैं, कौन कौन से हैं? हाँ, ऋग्वेद, श्रावेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चार वेद। और चारों मैं आपको वेदों में से भी सुना सकती हूँ, मेरे पास वेदों के मंत्र, नाम, नंबर और कितने स्कंद पे, कितने अध्याय पे कितना मंत्र का नंबर है, मैं आपको यही से बैठ कर बता दूंगी। अगर आप वेद में पढ़ना जानते हो तो जाकर देख ले, लेकिन अगर मैंने अभी तो भागवत भी नहीं सुनाई तभी आप ऊपर से निकलने लगी और वेद सुनाया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से गया हुआ।
जी कहाँ है बताना, बताओ। कुछ लोग तो ये सोचते होंगे कि दीदी बैठी है यही भाग बची है, ऐसा तो नहीं सोचते हैं? इसके अंदर में भागवत जी रखी है, 12 स्कंदीय भागवत जी, ये पेटी रखी है ना, इसके अंदर में भागवत जी रखी हुई है। इसके अंदर में है भागवत जी, जिसको आपको अर्था अर्था के हम सुना रहे हैं, गा गा कर बोल बोल कर सुना रहे हैं कि कुछ आपके पल्ले पड़ जाए। अच्छा एक बात सोचो, जब बच्चा खाना बनाता है, बेटी, जब कोई बेटी रोटी बनाती है पहले पहले, तो वो कैसी रोटी बनाती है? कहीं से मोटी, कहीं से पतली, कहीं टेढ़ी, कहीं भारत का नक्शा, कहीं पाकिस्तान का नक्शा, है ना, कहीं जली हुई, कहीं छेद। ऐसी बच्चियां रोटी बनाना सीखती है कि नहीं? तो आप अभी अभी रोटी बनाना सीख रहे हो, अभी सीख रहे हो, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। आपने भागवत पहले सामने बैठ कर नहीं सुनी होगी, टीवी पर सुनी भी होगी, तो टीवी पर तो क्या है कि थोड़ी देर सुन ली और फिर नाटक का मन कर गया तो चैनल बदल गया। जय राम जी। अब यहाँ आप चैनल नहीं बदल सकते, आप चाहो तब भी नहीं बदल सकते, क्योंकि हम बदलने नहीं देंगे। या तो एक ही चैनल चलेगा और वो हमारा ही चैनल चलेगा यहीं से बैठकर। तो भागवत जी का गहन चिंतन करके सुनिए और बार बार सुनोगे, जैसे बार बार बेटी रोटी बनाती है तो फिर एकदम ऐसी रोटी बनाने लग जाती है, एकदम फूली हुई, बड़ी सुंदर, दूर से ही देखकर खाने का मन कर। तो ऐसे ही आप बार 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 हरि कथा सुनोगे, श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की। परीक्षित, सात दिन में मरने वाले व्यक्ति का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो क्या उपाय है कि श्वास श्वास पर कृष्ण बजे, वृथा श्वास ना हो, ना जाने आ श्वास को आवन होए ना हो। आपके और हमारे लिए बताया है परीक्षित का, अगर चाहते तो सुखदेव जी महाराज मृत्यु को टाल सकते थे, इतनी उनमें सामर्थ्य थी, भगवान भी उनकी बात को टाल नहीं सकता था। लेकिन मृत्यु को टालना समाधान नहीं है, आपको अमर कर दिया जाए आप खुश हो जाओगे? बताओ। कभी कभी जब घर में झगड़ा झंझट हो जाता है तो आप क्या कहते हो, हे भगवान हमें तो उठा ले। अगर भगवान के पास फोन होता ना तो कुछ लोग तो रोज फोन कर देते किसी ना किसी समस्या को लेकर, वो तो भगवान ने ऐसी ऐसी व्यवस्था बनाई है, सुनते तो सबकी है लेकिन करते मन की। तो श्वास श्वास पर कृष्ण बचो आपके लिए भी है, जो जीवन हमारा निकल गया उसके लिए पश्चाताप करो, और अब जो जीवन चल रहा है उसमें हरि का नाम सुमिरन करो, हर श्वास पर, हर श्वास पर हरि का नाम सुमिरन करो, हरि का चिंतन करो, हरि को याद करो, यही जीवन की सत्यता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित से कहा तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव दुनिया की बातों को करते हैं तो बिल्कुल मन एकाग्र होकर सोचता है, और जब भगवान की माला जाप करने लग जाओ, जाप करते हो ना, कौन कौन करता है जाप,
भगवान का, तो पूरी दुनिया दिमाग में आ जाती है। और दिमाग इतनी जल्दी, मन इतनी जल्दी घूमता है, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी आगरा, इतनी जल्दी भागता है। फिर मन को रोक कर लाओ, माला पर बिठाओ, हरि के ध्यान पर बिठाओ, उनकी सूरत पर बिठाओ, उनके चिंतन पर बिठाओ, फिर थोड़ी देर रहेगा, फिर भाग रहेगा, फिर पकड़ के लाओ। जब आप बार बार पकड़ के लाओगे, बार बार भागेगा, बार बार पकड़ के आप हरि के चरणों में लगाओगे, तो एक दिन तुम्हारे मन को भी आदत हो जाएगी भगवान के चरणों में लगने की। ये पक्की बात है, हो जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा बार बार प्रयास करना पड़ेगा। तो बार बार क्या प्रयास करना है कि मन को चारों तरफ से घेर कर, रोक करके हरि के चरणों में लगाना है, श्री हरि के भगवान के चरणों में लगाना है। बार बार मन को इधर उधर से ढूंढ कर हरि के चरणों में लगाना, ये साधन है। तब परीक्षित ने पूछा, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? भगवान जाति पाति देखकर मिलते होंगे, ईश्वर तो कहे, कहा कि जाति पाति देखकर भगवान नहीं मिलते। क्यों? कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अगर भगवान जात पात देख दे तो क्या विदुर जी को मिल जाते? दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर कर खायो, विदुर जी के यहाँ नंगे पैरों चले आए। और जो विदुरानी थी उन्होंने उनको छिलके खिला दिए, बड़े स्वाद से छिलके खा गए। और विदुर जी ने जब माखन मिश्री दिया तो कटोरे में उंगली से एक बार चाट कर और ऐसे घुमा रहे कटोरे में उंगली। विदुर जी ने पूछा, केशव क्या कर रहे हो? कि जो स्वाद में छुलकों में ढूंढ पा रहा था ना, जो स्वाद मुझे छुलकों में मिल रहा था, वो तुम्हारे माखन मिश्री में नहीं मिला, वो ढूंढ रहा हूं, कहीं छुपा तो नहीं रह गए। भगवान ये कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार। मैं भाव का भूखा हूं, भाव से आप उनके लिए जो अर्पित करते हैं प्रभु सबको स्वीकार करते हैं। बिन भाव की जबरदस्ती आप मोती भी दे दो तो वो भी उनके लिए कंकड़ों के समान है। तो भगवान उम्र को देखते होंगे, बोले उम्र भी नहीं देखते। अगर उम्र देखते तो ध्रुव को और प्रहलाद को मिल जाते। जाति पाति देखते तो भगवान सबरी को मिल जाते। पढ़ा लिखा तो देखते हुए, बोले पढ़ा लिखा देखते तो गजेंद्र को मिल जाते। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे। गज माने होता है हाथी और ग्राह माने होता है मगरमच्छ। त्रिकूट पर्वत पर गजराज रहते थे, 100 पत्नियां थी, 150 पुत्र थे, बड़ा घमंड था, मेरा इतना बड़ा परिवार। ये संसार के त्रिकूट पर्वत पर सभी अपना घमंड करते हैं, सभी गज बने हुए, सब हाथी बनकर रहते हैं। ये सोचते हैं हमारी तो पत्नी है, बच्चे हैं और हमारे संबंधी हैं, इतने सगे हैं, ये है वो है और इतने रिश्तेदार हैं, बड़ा घमंड करते हैं। लेकिन हाथी का मगरमच्छ रूपी बुढ़ापा, हर व्यक्ति हाथी रूपी व्यक्ति का मगरमच्छ रूपी बुढ़ापा जब पैर पकड़ लेता है, जब बुढ़ापा आता है, तब पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। गजराज की पत्नियों से कहा कि मुझे खींचो बाहर। पत्नियों ने एक महीने तक प्रयास किया, बच्चों से कहा तो बच्चों ने तो 8 दिन ही प्रयास किया भाग गए। पत्नियों ने 15-20 दिन और प्रयास किया, वो भी चली गई। जब कोई नहीं दिखता तो फिर हरि को याद करते हैं कि नहीं? ऐसे ही जब बुढ़ापा आ जाता है,
बाबा हमारे पैर पकड़ लेता है, तो महीने दो महीने तो बच्चे सेवा करते हैं, फिर कहते हैं हमारी तो छुट्टी खत्म हो गई, हमें तो दूसरे देश जाना है, अपनी ड्यूटी पर जाना है। बच्चे वहां चले गए, अब पत्नी की व्यवस्था देखो, कुछ दिन पत्नी सेवा करती है, फिर कुछ दिन बाद कहती है हे भगवान, अब जिनका दुख हमें देखा नहीं जा रहा, अब तो आप इनको उठा लो। कहती है कि नहीं, बुढ़ापे में या फिर जब कोई बुढ़िया ज्यादा बीमार हो जाए या फिर ज्यादा बुढ़ापा आ जाए, कुटिया में पड़ी हो, तो घर वाले क्या कहते हैं? ये नहीं कहते कि हमसे सेवा नहीं करी जा रही, हम झिकझिक सेवा करके ले जाओ, ये नहीं कहते। कहते इनका दुख हमें देखा नहीं जा रहा, अब तो भगवान इनको उठा। ये अपमान करते करते हम जिंदगी क्यों गवा देते हैं कि हमारा परिवार है, हमारा ये है, हमारा वो है, मेरा ये है, मेरा वो है, और मेरा कुछ भी नहीं है। अंत समय आता है ना, तो एक धागा भी शरीर पर नहीं छोड़ते, एक कलाया भी बंधा हुआ हो ना, कलावा मौली, इसे भी काट देते, सब कुछ छुड़ा लेते। क्या इसी के लिए घमंड था? क्या इसी खजाने के लिए घमंड था कि जोड़ जोड़ के मर जाएंगे और माल दूसरे खाएंगे? ऐसा मत जोड़ो, ऐसा जोड़ो, धन कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें से 10% दान में लगाते रहो, कहीं भी ज्यादा कुछ नहीं करो, तो कुछ कुछ रुपए इकट्ठे करो और गौशाला बनवा दो, गायों के रहने की व्यवस्था बनवा दो, गाय रहेंगी उसमें चारा खाएंगी, चारा डलवा दो, गरीब कन्याओं की शादी करो जो असमर्थ है विवाह करने में, उन गरीब कन्याओं की शादी करो। कन्यादान से बड़ा सौभाग्य इस दुनिया में दूसरा नहीं है, कोई दूसरा दान नहीं है कन्यादान से बड़ा। कन्यादान सर्वश्रेष्ठ है, यथासंभव कन्यादान, कन्यादान करो, गरीब बच्चों की शादी करो। देखो हम तो इतने बड़े भी नहीं है आपकी बराबर, आप तो बहुत धनाढ्य लोग हो, बहुत धनवान हो, हम तो गरीब से ही हैं, छोटे से ही हैं हम तो, लेकिन हम तो जो भी कमाते हैं, और हर साल बेटियों का विवाह करते हैं गरीब कन्याओं के साथ ही। आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हो, YouTube पर हमारे प्रोग्राम पड़े हुए हैं। कोरोना से पिछले पहले साल, कोरोना से पहले साल 36 बेटियों के जोड़े की शादी की थी, और फिर 11 बेटियों की, कोरोना के बाद में 11 बेटियों की शादी की थी, और अब की बार 4 नवंबर को 21 बेटियों की शादी की। तो जितना संभव हो सके अपने उसमें से 10% निकाल के गायों के लिए, मंदिरों के लिए, संतों के लिए, कन्याओं के लिए दान करो, कन्यादान करो। विवाह इकट्ठे हो जाओ, गांव के लोग कमेटी बना लो, थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, जो गरीब भैया, जो गरीब भाई अपनी बेटी की विवाह नहीं कर पा रहा है, उस पर धन नहीं है, तो उसमें संकोच नहीं होना चाहिए। धन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये लक्ष्मी एक जगह नहीं रुकती, पता नहीं कब किसको उल्लू बनाकर चली जाए। एक बात याद रखना, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जब लेता है तो एक बहुत छोटे से सुराख में से भी ले लेता है। पता है कैसे? जब शरीर में फोड़ा होता है, फोड़ा सब समझते हो ना,
फिर भी आप जानते हो कि ये व्यक्ति मरेगा क्योंकि इसको कैंसर है, न चाहते हुए भी उसके ऊपर 10-20-50 लाख रुपए आपको लगाने ही पड़ते हैं और उसका अंत सिर्फ मृत्यु है, उसका कोई इलाज नहीं है। जब घड़ा भर जाता है ना तो उसका पानी कहीं ना कहीं होके निकलता ही है। और धन के चार रास्ते हैं, या तो धन को धर्म में लगा दो, और धर्म के तीन भाई और हैं, और वो क्या है, एक डॉक्टर साहब, एक पुलिस वाले और एक वकील साहब। अगर आप धर्म में नहीं लगाओगे ना तो वो तीन भाई है ना, वो तो उनकी मजबूरी नहीं है, वो तो जूते मार के लगवा लेते। अगर आप धर्म में नहीं लगाते तो फिर क्या होता है, डॉक्टर के पास जाओगे तो आप ये नहीं कह सकते 100 रुपए कम कर लो, पुलिस वालों के खाकी वर्दी वालों के पास जाएंगे तो ये नहीं कह सकते कि 200 रुपए कम ले लो, 50 रुपए कम ले लो। कोर्ट कचहरियों पे जाएंगे वकील से नहीं कह सकते कि 10-20 रुपए भी कम ले लो। धर्म कहता है इच्छा अनुसार स्वेच्छा से करो, और धर्म के जो तीन भाई हैं वो कहते हैं न चाहते हुए भी करो। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी करेगा, मैं करवा लूंगा, मेरे अंदर इतना पावर है। इसलिए जो विनम्रता से कह रहा है धर्म, कि धर्म का कार्य आप विनम्रता से करो, प्यार से करो, दुख कष्टों से दूर रहो, तो आप करोगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी लालची। फिर उसके तीन भाई आएंगे तुम्हें जूता मारते हुए, तो दुख भी होगा, कष्ट भी पाएंगे और पैसा भी लगाएंगे। तो इसलिए धर्म के मार्ग पर चलना ही मानवता है। आप धर्म को मत भूलिए, धर्म के मार्ग पर चलिए। जब हाथी का जो अंदर ग्राह था, मगरमच्छ था, उसको हाथी ने नीचे की ओर खींचा और जौ के बराबर सूड पानी के ऊपर रही, तब हरि का नाम पुकारा, हे प्रभु, हे शरणागत के रक्षक, मैं आपकी शरणागत हूँ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने आकर हाथी को सूड पकड़ कर निकाला और ग्राह को प्रभु ने निकाला, गज को सूंड पकड़ के निकाला और ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया, सुदर्शन चक्र से काट दिया, उसका उद्धार कर दिया, मगरमच्छ को मार दिया और हाथी का उद्धार कर दिया। यहां भगवान ने भक्त को भी बचाया है और भक्त के जो चरण पकड़ के लटका हुआ है उसको भी बचाया है। इसका अर्थ क्या हुआ, या तो भक्ति इतनी करो कि भगवान आने पर मजबूर हो जाए, या फिर श्रद्धा इतनी रखो कि किसी भक्त के बहाने आपका उद्धार हो जाए। इतनी श्रद्धा, इतना भाव रखो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक बार विदुर जी जो थे, विदुर जी कौन थे, अब आप सोच रहे होंगे विदुर जी कौन है, पांडवों के महामंत्री थे विदुर जी, कौरवों के थे पहले तो, फिर कौरवों ने अन्याय किया, कौरवों की तरफ से इस्तीफा दे दिया और पांडवों की तरफ आके जुड़ गए थे और पांडवों के महामंत्री बन गए। पांडवों को तो समझ रहे हो ना, अभी पूरी वंशावली सुनाई थी आपको, भूल तो नहीं जाते। पांडवों के महामंत्री विदुर जी, उनकी भेंट एक दिन एक ऋषि से हुई जिनका नाम था मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने कहा कि भगवान राक्षसों को तो मार देते हैं और भक्तों को बचा लेते हैं, ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा कि भगवान ना किसी को मारते हैं ना किसी को बचाते हैं,
कि कर्म प्रधान बीश्वर चिरा आगे
साइड में हटो, कोई नहीं सुनेगा। आप बस ये बोलते जाना राधे 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 राधे, ए राधे जरा साइड में हटना, राधे साइड में, तो तुरंत रास्ता मिलता है। कि वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, we'll be right back.
ब्रजभूमि की जय 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 श्री लाल जय जय श्री लाल तो वृंदावन धाम का दर्शन कराया। वृंदावन धाम भगवान का हृदय है, पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, इसलिए वृंदावन नहीं डूबा, पूरी पृथ्वी प्रलय में डूब गई। ऐसा कहा गया है कि जब भी प्रलय आएगी आती है तो समस्त पृथ्वी डूब जाती है, समस्त देश जो है ना पूरे पृथ्वी पर सब डूब जाते हैं, पूरी दुनिया। लेकिन वृंदावन धाम में मेरे प्रभु रास करते हुए वृंदावन धाम को बचा लेते, वृंदावन धाम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं पृथ्वी को स्थान दिया, भगवान के सामने हिरण्याक्ष छा गया और मेरे प्रभु वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया, उसका उद्धार कर दिया। ताली बजाओ राक्षस। सो जाते हो जगाना पड़ता झंझोर के, जग जाओ भैया। ऐसे सांस खींच लेते हो कि एक बड़ा लोभी आदमी था, बहुत बड़ा, और मजाक मजाक में गांव वालों ने उसका नाम दानचंद रख दिया। अब गंगा जी से 5-7 किलो 10 किलोमीटर रहता था, तो पूरे गांव वाले गंगा जी नहाने जा रहे। उसकी पत्नी बोली कि आप भी जाओ गंगा जी नहाओ, सब लोग गंगा जी नहाने जा रहे हैं। दानचंद बोला कि मैं कैसे जाऊं, मैं जाऊंगा तो गाड़ी वाले को कुछ पैसा देना पड़ेगा और कुछ वहां पे पंडा मिलते हैं वो संकल्प कराते हैं उनको देना पड़ेगा। पत्नी बोली गाड़ी से मत जाओ, पैदल चले जाओ, एक दिन की जगह 2 दिन में नहाया होगे, पर मेरा मन कहता है जाओ। तो बोला ठीक है। अब दानचंद ने कहा कि ऐसा करो मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो, क्योंकि मैं कल तक आऊंगा, तो ऐसी व्यवस्था बना दो कि कल तक मैं खा लूं, पैसा खर्च ना करना पड़े। तो पत्नी ने बना दिया और पोटली में बांध करके गंगा जी के लिए निकल पड़ा। अब गंगा जी के लिए जैसे ही निकला, पैदल 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 पहुंचा, तो वहां देखा उसने हरिद्वार के घाट पर कि सब नहा रहे और सब पंडा जो है वो पूजन करा रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, दक्षिणा ले रहे हैं। अब उसे तो पैसा देने नहीं, तो उसने सोचा मैं इस घाट पर क्यों ना। उसने देखा चारों तरफ तो थोड़ी दूर आगे मुर्दा घाट था, तो उसने क्या किया, वो मुर्दा घाट पर पहुंच गया कि यहाँ कोई पंडे वंडे का चक्कर नहीं। अब मुर्दा घाट में जाकर के और उसने नहाना शुरू किया, कपड़े उतार कर रख दिए घाट पर और गंगा जी में जाकर उसने डुबकी लगाई। हर हर गंगे कर दे चंगे, हर हर गंगे कर दे चंगे। और सुनो मेरे लीलाधारी ने, मेरे प्रभु नटखट हैं बहुत, किस पर रियो चाहे पता ही नहीं, मेरे लीलाधारी ने लीला की और एक पंडा का वेश रख के, ब्राह्मण का वेश रख के, पुजारी का वेश रख के घाट पर आ गया। और आकर के जैसे ही वो दानचंद डुबकी लगा रहा था, तो उससे उसने डुबकी लगाई और घाट पे से, किनारे पे से आवाज आई घाट पे से, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। सोचने लगा मुर्दा घाट पर कौन सा पंडा आ गया। सो महाराज ऊपर देखा तो खड़े थे पंडा के, अंक में भगवान थे वो, तो पंडा खड़ा है। तो उसने दोबारा डुबकी लगाई और ऐसी डुबकी लगाई कि पानी में डूबका ही रह गया, कि ये सोचे कि ये तो मर गया और यहां से चला जाए। लेकिन मेरे प्रभु तो लीलाधारी हैं, वो वहीं खड़े रहे पक्के पड़ के। अब उसे सांस खींचने की विद्या आती थी, तो एक घंटे बाद पानी में से निकला और आकर के भगवान ने कहा, पंडा जी ने कहा कि नहा लिए यजमान जी, कि हाँ नहा लिए। बोले संकल्प कर, संकल्प। बोले आपने ये घाट भी नहीं छोड़ा, मुर्दा घाट भी, यहाँ तो मुर्दे के परिजन भी जब तक चिता ठंडी नहीं होती जब तक नहीं रुकते, तुम कैसे यहाँ। बोले सुनो यजमान जी, हम थोड़े संतोषी ब्राह्मण हैं,
घाट पे ही रहते हैं, हम ज्यादा हाय माया वाले तो है नहीं। और इसी घाट पे कोई तुम्हारे जैसा कोई धनी आदमी आ जाता है, कोई साल दो साल का खाने पीने का व्यवस्था कर जाता है, हमें दूसरे घाट पर जाने की जरूरत नहीं। अब उसने सोचा एक दो साल की तो उसकी तो सांस ही रुक गई। तो देखो उस पंडा ने कहा कि तुम नहाए हो तो तुम्हें संकल्प तो करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है कर लो संकल्प। कितने का करें? 10 रुपए का कर दे। बोले 10 रुपए का नहीं तो 5 का कर। ना ना ना, 1 का ना ना ना। तो वो एक धेले का कर, एक धेले का। भगवान ने कहा कुछ तो निकला तेरे मुंह में से, चल एक धेले का ही कर। और भगवान ने एक धेले का संकल्प करा दिया। अब हम संकल्प करके बोले कि लाओ दक्षिणा, बोले उधार ही कर दो, एक धेले का ही कर दो उधारी। अब उधारी भगवान ने कहा चल ठीक है उधारी, मुझे मैं तो उधारी नहीं कर लेता हूँ। पंडा ने कह दिया ठीक है। और वहां से उधारी संकल्प करके और अपने घर पैदल 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 आया। और आके जैसे ही बैठा था, पत्नी ने लाके पानी दिया, दरवाजे पे से आवाज आई, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पत्नी गई दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर, बोले हाँ जी, कहिए जी क्या बात है जी। बोले आपके पति देव जी घर पर हैं? बोले हाँ। गंगा जी नहा के आए? हाँ मैं गंगा जी से ही आया हूँ, वो संकल्प करके आए थे, उनसे कह दो मेरा संकल्प दे दे, एक धेला मुझे दे दे। पत्नी ने आके कहा कि आप कोई संकल्प करके आए थे गंगा जी पर? बोले हाँ, एक धेले का संकल्प करके आया था। बोले तो वो दरवाजे पर आ गए और अपना एक धेला मांग रहे। अब देना नहीं चाहे, एक धेला संकल्प तो कर दिया। तो अपनी पत्नी से कहा कि ये कह दो कि बीमार है, फिर आ जाना। पत्नी ने कहा जाके बुरा सा मुंह बना के क्या करें, पैदल गए पैदल आए, बीमार हो गए हमारे पतिदेव, बीमार हो गए, अब फिर आ जाना। बोले हमारे यजमान बीमार और हम यहाँ से चले जाए ऐसा नहीं हो सकता। एक कह दो कि आप तो हमारे आटे का दाल का भोजन का व्यवस्था कर दो, हम अपने आप भोजन बनाएंगे और खाएंगे, जब तक यजमान ठीक नहीं हो जाते तुम्हारे दरवाजे से चले जाएंगे। बैठ गए आराम से आसन लगा के। पत्नी ने आगे कहा ये कह रहे कि यही खाने पीने की व्यवस्था कर दो और जब तक यजमान ठीक नहीं हो जाते तब तक हम यही रहेंगे। दानचंद ने कहा कह दो कि मर गए। अब पत्नी कहे मैं ऐसे कैसे कह दूं मर गए? बोले तुम कह दो मुझे सांस रोकना आता है, मैं अपनी सांस खींच लूंगा। ऐसे तो नहीं कही जाती, ऐसे तो कोनी कैसे। बोले तुम कह रहे हो कि मर गए। अब पत्नी आई और बुरा सा मुंह बना के रोती सी कहने लगी क्या करें, ठाकुर जी को पता नहीं क्या मंजूर था, अभी अभी गंगा जी से आए, बीमार हो गए और मर गए। और लीलाधारी ने लीला की, भगवान ने लीला की, जो पंडे के रूप में थे पूरे गांव में एक मिनट में जाके कह आए कि दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। आए अब देखो विडंबना, और खटिया में से उतार के दानचंद को जमीन में रख लिया। अब सुनो पत्नी कहे ये मरे नहीं है, और गांव वाले कहे, गांव की औरत आ गई दूर तरफ से, उसकी पत्नी को पकड़ लिया और कहने लगी कि जाने वाला तो चला गया, ये तो तुम्हारी मोह ममता है, अब तो ये जाने वाला तो चला गया। और दानचंद को ठटरी में कस लिया, ठटरी में कस लिया, कंधे पर रख लिया और शमशान की ओर लेकर चले। अब पंडा जी बोलेंगे इनकी कोई संस्थान तो है नहीं, तो ये हंडी मुझे ही दे दो, मैं ही आगे आगे लेके चलूंगा शमशान के लिए हंडी का। अब सुनो आगे आगे पंडा जी और पीछे पीछे दानचंद की ठटरी और गांव वाले। अब वहां पहुंच गए और उस चिता में रख लिया, लकड़ी रख दी। तो भगवान ने कहा भी सोच लो, एक धेला दे दो नहीं तो अभी जला दिए जाओगे। अब सांस खींच के पड़ा, देखो कितना पक्का आदमी, सांस खींच के पड़ा, एक धेला नहीं देता। अब भगवान ने कहा कि बड़ा जीती है भाई, इसकी जिंदगी सामने तो मैं हार गया, तो पान
वैकुंठ से आया हूं तुम हित नाता जोड़। उसने सोचा दिमाग का तो तेज था, वैकुंठ से तो भगवान आए हैं। तो उसने एक आंख खोल कर देखा, वही पंडा पुणे आ रहा पीछे। बोले ये तो वही पंडा झूठ बोल रहा है। छोड़ मुझे और कुछ नहीं। मेरा तो उस देला छोड़ता, मेरी जान छोड़, तू चाहे मैंने नाली तेरी गंगा थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान से हट भी करो तो ऐसी करो कि भगवान हार जाए, हमें ना हारना पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, 12 अवतार लेकर के ब्रह्मा के सभी पुत्र विरक्त हो गए। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था कर्दम्ब जी, उनका विवाह देवी जी के साथ हुआ। देखो देवहूति जो थी वो स्वयंभू मनु की संतान थी, आप और हम सब स्वयंभू मनु की संतान हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले स्वयंभू मनु और सत्रुपा को बनाया। उन्होंने सृष्टि की रचना की तो स्वयंभू मनु की तीन कन्याएं थी, आकृति देवहूति प्रसूति, और दो पुत्र थे प्रियव्रत और स्थानपाल। स्वयंभू मनु के देवहूति नाम की कन्या का विवाह कर्दम्ब जी के साथ हुआ। कर्दम्ब जी के साथ जब कुटिया में आई तो क्या देखा कि कहीं मुंह से इसके बिल हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं, ऊपर पक्षियों के घोंसले हैं। तो देख करके उनकी नेत्र सजल हो गई कि इतना बड़ा त्यागी पुरुष मेरा पति मिला मुझे। आजकल की कन्या जब ससुराल जाती है, आजकल की बेटी ससुराल जाती है, पिता के यहाँ एसी लग रही हो और ससुराल में कहीं कूलर मिल जाए तो उनके नखरे देखो पूरे घर वालों को नचा देती है। मुझे तो एसी में रहने की आदत है, मेरे पिता के यहाँ तो एसी लग रही, मैं कूलर में नहीं रह सकती। करती है कि नहीं ऐसा? क्यों? जब संस्कार नहीं है। देवहूति मैया उस पिता की संतान थी जो पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, स्वयंभू मनु पूरी पृथ्वी के राजा थे। उनकी पुत्री देवहूति मैया कर्दम्ब जी के साथ विवाह हुआ, जिनकी एक इतनी छोटी सी झोपड़ी थी, इतना ये एक खाना ये तो बहुत बड़ा है, छोटी सी झोपड़ी, और उसमें भी कहीं सांप के मिल हैं, कहीं चूहे घूम रहे हैं, कातर बिच्छू घूम रहे हैं, कहीं कुछ घूम रहा है, लेकिन किसी में बैर भाव नहीं है। एक नदी बह रही है, उसमें सिंह और गाय एक जगह जल पी रही है। इतना प्रताप है तपस्या का कि बैर भाव नहीं है। स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति मैया ने आज भगवान को धन्यवाद किया कि इतना ज्ञानी पुरुष मुझे पति रूप में प्राप्त हुआ, भगवान आपका बार बार धन्यवाद। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं विवाह होके आया, 40 साल के लिए कर्दम्ब जी महाराज की समाधि लग गई। कर्दम्ब जी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र थे। कहीं आप ये कहें कि कर्दम्ब कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र थे कर्दम्ब जी महाराज। 40 वर्ष बाद समाधि खुली, भगवान प्रकट हुए। भगवान से एक ही वरदान पाया कि मेरे घर आप पुत्र बनकर आए। पुत्र का भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, देवहूति और कर्दम्ब किया, एक के बाद एक 9 कन्याएं हो गई जिन्हें नवदा भक्ति कहते हैं। इन्हीं कर्दम्ब और देवहूति की पुत्री थी अनसुईया मैया। कौन नहीं जानता अनसुईया मैया? कोई नहीं जानता कौन थी अनसुईया मैया? बताओ। हाँ जी, अत्रि मुनि की पत्नी थी अनसुईया मैया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बालक बनाकर अपने घर में पालने में झुलाया था। एक बार नारद जी जो है ना बड़े आग लगाने वाले, जब धुआं ना उठे वहां पूरी अग्नि लगा दी।
कहा कि आप पृथ्वी पर जाओ और अनुसुईया की परीक्षा लेकर आओ और उसके सत्यत्व को भंग करके आओ। अब सुनो, चाहे वो विधाता है, पूरे त्रिलोकी के नाथ है, पर घरवाली के सामने किसी की नहीं चलती, ये बात बिल्कुल सत्य है। चलती है क्या किसी की? बताइए, आप बताइए, चलती है घरवाली के सामने? ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना भगवान के दरबार। देखो बेचारे ने बड़ी ईमानदारी से मना कर दिया कि नहीं चलती। उनको पता है अगर हमने यहाँ कह दिया कि हाँ हमारी चलती है और इधर से कहीं कैमरा इधर ही फोकस में लगा हुआ हो तो सोच रही होगी कि आप घर चलो तो मैं रोटी खवाऊंगी गर्म गर्म। तो ईमानदारी से कह दिया नहीं चलती थी। तो आपकी कैसे चल जाएगी जो ब्रह्मा विष्णु महेश की नहीं चली? वो तो त्रिलोकी के स्वामी है, आप कुछ भी नहीं हो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने बहुत समझाया, देवी ऐसी बात ठीक नहीं है, लेकिन उमा रमा ब्रह्माणी नहीं मानी और कहने लगी जाओ परीक्षा लेके आओ। अब उमा रमा ब्रह्माणी की बात मानकर ब्रह्मा विष्णु महेश अनसुईया मैया के पास आए, जिस समय अत्रि मुनि घर पर नहीं थे, भ्रमण पर गए। अनसुईया मैया से कहने लगे कि हमें नग्न होकर भोजन कराओ, जैसे एक माँ अपने पुत्र को भोजन कराती है लोक लज्जा से परे होकर। उन्होंने पति के चरणों का ध्यान किया और चिंतन करके देखा तो उन्हें साधु वेश में थे वैसे तो, लेकिन जब उन्होंने देखा तो ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपको अवश्य भोजन कराऊंगा, जैसे आपकी इच्छा है वैसे ही कराऊंगा। तो मैया ने क्या किया, अत्रि मुनि का कमंडल रखा था उसमें से जल लिया और अपने पति के चरणों का ध्यान करके छींटा लगा दिए, तो नन्हे नन्हे से बालक, छह छह महीने के बालक बन गए। और मैया ने उठा उठा कर अपने आंचल से लगाया और अपना दूध पान कराया, जैसे माँ अपने बेटे पर लाड करती है, प्यार करती है, उस तरीके से। और पलना में सुला दिया। अब मैया पलना में सुला के और उनको खूब लाड प्यार कर रही है पुत्र जैसा। अत्रि मुनि आए, बोले ये कौन है? बोले आप पहचानो? अत्रि मुनि ने ध्यान लगा कर देखा, अरे देवी तुमने क्या कर दिया? बोले ना ज्यादा कुछ नहीं किया, ये आपके बेटे हैं, आपके और हमारे पुत्र हैं। अब उमा रमा ब्रह्माणी को बड़ी बेचैनी की, अब तक परीक्षा लेके आए नहीं, आए नहीं। नारद जी फिर पहुंच गए वहां पानी में आग लगाने और कहने लगे कि आप तो बड़ा संकट आ गया मैया आपके ऊपर। बोले क्या संकट आ गया? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश को अनसुईया मैया ने बालक बना लिया है, अब आप जाओ और उन्हें छुड़ा के लाओ। उमा रमा ब्रह्माणी वहां पर आई, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को पहचान नहीं पाई। मैया अनसुईया ने कह दिया अपने अपने पति को पलने में से पहचान लो और ले जाओ। लेकिन पतिव्रता स्त्री के सामने, सती के सामने उमा रमा ब्रह्माणी भी झुक गई और कहा आप हमारी सासू माता जी हो, इसलिए आप ही ये कृपा करिए कि हमारे पतियों को वापस करो। अनसुईया मैया ने पालने में से निकाल कर पृथ्वी पर सुलाया और पुनः जल का छिड़काव लगाया, वो पुनः ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए और माता को प्रणाम करते हुए बैठ गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, नौ कन्याओं के बाद कपिल देव जी महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने अपनी माता को अनंत ज्ञान दिया और देवती माता सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बहने लगी। देवती माता का वंश आगे नहीं चला, उनकी दो बहनें और थी, प्रसूति और आकृति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के यहाँ पर हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट होकर के आए। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के यहाँ पर हुआ, जिनके यहाँ माता सती प्रकट होकर के आई।
अनेकों वर्ष तपस्या करने के बाद में माता सती भगवान शंकर जी की पत्नी बनी। एक दिन पर्वत पर बैठी थी, देखा कि आसमान में से विमान जा रही है। पूछने लगी कि स्वामी ये विमान कैसे जा रहे हैं। बोले देवी तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, सभी देवताओं को बुलाया है, तो ये सभी विमान तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। सती मैया जिद करने लगी कि हमें भी जाना है अपने पिता के यहाँ। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, देवी विवाहित स्त्री को बिना निमंत्रण के मायके भी नहीं जाना चाहिए। वैसे आप बिना कारण के जाओ, माता पिता से मिलके आ जाओ, लेकिन यदि कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो अपने मायके में, जब तक निमंत्रण ना आए तब तक विवाहित कन्या को, विवाहित स्त्री को अपने मायके भी नहीं जाना चाहिए। इस बात को नहीं माना माता सती ने, भगवान ने अपने गणों को साथ में भेज दिया। दक्ष प्रजापति की यहाँ पर जाके देखा कि शिव का तिरस्कार, शिव का अपमान, ये हमारी भारत की माताओं में एक गुण है। क्या गुण है? कि खुद चाहे अपने पति की लाख निंदा कर ले, लाख तिरस्कार कर ले, बेइज्जती कर ले, कितनी भी बेइज्जती कर ले, लेकिन है मजाल उनके सामने कोई दूसरा बेइज्जती कर जाए। ऐसे समझ लो जंगल की शेरनी बन जाती है कि खा जाएगी, चाहे फिर वो पिता ही क्यों ना हो। तो माता जो है, उन्होंने देखा कि शिव की यहाँ पर अनादर किया गया है, तिरस्कार किया गया है, तो अपने आप को यज्ञ, जो यज्ञ कुंड बना हुआ था उसमें जाकर के अपनी देह का त्यागन कर दिया। मैया ने, भोलेनाथ के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन वहां पर अच्छे अच्छे संत बैठे थे, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस नहीं करने दिया। आकर के भोलेनाथ ने बताया, भोलेनाथ ने सिर में से एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर मार दी, जिससे वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ और वीरभद्र ने समस्त यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता सती को लेकर के भोलेनाथ कैलाश पर गए। विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को छह कर दिया। जहां जहां एक एक अंग माता सती का गिरा, वहां वहां पर एक एक देवी शक्ति पीठ उत्पन्न हो गई, जिन्हें हम वृष्णो देवी, नैना देवी, चित्रपूर्णी, ज्वाला देवी, वृष्णो देवी, जितनी भी माता के अंग है वो यहाँ देवी शक्ति पीठ बन गई। स्वयंभू मनु की दो संतान और थी, जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतो उत्तानपाद शत्रु पापते सतो वासुदेवस्य कलायामं रक्षयाम जगत स्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद का विवाह सुमति के साथ में हुआ। स्वयंभू मनु के दो बेटा थे, एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद। स्वयंभू मनु भगवान का अवतार थे। उत्तानपाद का विवाह हुआ माता सुनीति के साथ में, और उन्होंने गलती की कि वो दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में करके ले आए उत्तानपाद राजा। तो सुरुचि ने सुनीति को घर से निकलवा दिया, संतों के यहाँ जाकर रहने लगी, उनके गर्भ में बालक था उस समय। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और उस बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम बालक ध्रुव रख लिया। ध्रुव को जानते हो कि नहीं जानते? ध्रुव का जन्म हुआ इधर सुनीति के गर्भ से, उत्तम का जन्म हुआ। ध्रुव थोड़े बड़े हुए, एक दिन उन्होंने राजा उत्तानपाद को छोटी माता के पुत्र को खिलाते हुए, लाड करते हुए देखा, तो सोचा
गद्दी पर चढ़ने लगे तो ध्रुव की मौसी ने उसे डांट फटकार कर भगा दी और अपनी माता सुनीति से कहने लगी कि माँ आज मुझे मौसी ने डांट फटकार कर भगा दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया। माता सुनीति अपने पुत्र को समझाने लगी, हे बेटा तुझे रोना नहीं है, हरि तुझे याद कर रहे हैं, तुझे हरि कीर्तन करना है, प्रभु का नाम जाप करना है और अपने कुल को पार उतारना है। रोवे मत मेरे छैया, की रोवे मत मेरे बेटा, तुझे हरि बोलना I'm
के हरी से नहीं मिल सकते। न कोई जो विनंत शंकर सम होई, अगर कोई शंकर के समान भी यशस्वान है तो बिना गुरु के भवनैया से पार नहीं हो सकता। का धर्म है वो घास खाती है।
लौट कर फिर आ गया था तो कुत्ता, फेरा कुत्ता ही लौट कर आ गया। अन्य कुत्ते बोले तू फिर लौट कर आ गया रे कलुआ, चल भग जा यहाँ से दल बदलुआ, तेरे आने से हैरान हैं हम और तुझे अपनी कमेटी में शामिल कर ले, क्या इंसान हैं हम? इंसान थोड़ी है जो आज लड़ लिए और कल फिर बैठ गए दारू की बोतल लेके चलो भैया फिर पार्टी करेंगे। इंसान का तो कोई धर्म ही नहीं, कुत्तों का भी धर्म है, हर हर प्रजाति का धर्म। इसलिए कहते हैं कि कभी भी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। भगवान ने एक एक वस्तु के लिए अलग अलग सिस्टम बनाया है। अगर कानों की शक्ति बढ़ानी है तो काजू खाओ, काजू का जो बनावट है ना वो कानों की तरह है कि नहीं? काजू का बनावट कैसा है? कानों की तरह। अगर तुम्हें आंखों की शक्ति बढ़ानी है तो बादाम खाओ, बादाम की बनावट आंखों की तरह है कि नहीं? अगर आपको बोलने की शक्ति बढ़ानी है तो दूध पियो, दही खाओ, क्योंकि उसमें रस है, जवान में भी रस होना चाहिए। अगर तुम्हें खोपड़ी की शक्ति बढ़ानी है तो अखरोट खाओ, अखरोट को तोड़कर आप देखना उसके अंदर से खोपड़ी सी निकलती है कि नहीं? भगवान ने कब कहा कि तुम मांस मदरा खाओ? हृदय की धड़कन, हृदय की शक्ति बढ़ानी है तो आप बादाम का हलवा खाओ और मक्खन खाओ। मेरे कृष्ण भगवान का हृदय कितना कोमल था, क्योंकि वो माखन किसकी खाते थे? ये नहीं खाएंगे, इंसानों वाली चीज कैसे खा लेंगे? इंसान थोड़ी है, सबका खा जाएंगे, शेर का भी खा जाए, गाय का भी खा जाए, सबका खा जाए, और कोई समझाने बैठ जाए तो उसके प्राण खा जाए। नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर जीव के अंदर हमारे ही जैसा जीव है। ये सोचो तुम किसी के किसी मुर्गे को काट रहे हो, उसकी माँ देख रही है। अगर तुम्हारे सामने कोई अपने लाल को काटे या उसका आपके सामने कोई आपके बेटे को काटे, आपको कैसा लगेगा? बेजुबान है वो, लेकिन उनके भी हृदय में दर्द होता है, उनको भी पीड़ा होती है, इसलिए मार के काट के नहीं खाना है। तुलसी बाबा ने तो बड़ा सुंदर लिखा है, ईश्वर अंश जीव मर जाते हैं, तो कुछ पाप
से सुनना, वो कौन से यज्ञ है? सबसे पहला यज्ञ है कि सबसे पहली रोटी बनाओ और अग्नि देवता को भोजन दो। ये हर गृहस्थी के लिए पहला यज्ञ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने लोगों के आ रहा है? अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है जी। पहली रोटी बनाओ और अग्नि देवता को, जो चूल्हे में आप अग्नि लगाकर भोजन बनाते हो, अग्नि देवता, अगर अग्नि ना हो तो हमारा भोजन ना पचे, अग्नि ना हो तो भोजन ना बने, अग्नि ना हो तो जीवन ना चले, इसलिए अग्नि देवता को भोजन दो। ये एक यज्ञ है। दूसरा यज्ञ बताया है कि रोटी बना करके पहले रोटी गाय को निकालो। हर गृहस्थी को रोज गाय को रोटी, सबसे पहली रोटी बनाकर गाय को देनी चाहिए। ये दूसरा यज्ञ। तीसरा यज्ञ है कि लास्ट की जो सबसे भारी रोटी होती है, पीछे की रोटी, माताएं क्या करती हैं, सबसे पीछे की रोटी बनाती है, थोड़ी मोटी, चार रोटी की एक रोटा, रोटी नहीं रोटा, कितनी माताएं बनाती है, क्या करती है उसका, खा जा मैं, मुझे पता है तुम्हारा, लास्ट की रोटी बनाती है मोटी और ऐसी कि चार रोटी का एक ही रोटा, और फिर उसे अग्नि पर सेकती है खूब पका पका के अच्छे तरीके से, और उसे गोद गोद के उसमें दो चमचा घी डाला और चकाचक खा के फिर क्या कहती है, पूरे दिन एक ही रोटी खाई है, दूसरी रोटी तो खाई नहीं, एक ही रोटी खाई है और उनसे पूछो ना कि पीछे की रोटी भारी क्यों बना रही है इतनी, तो हमारा पियर भारी होता है, पियर भारी करो, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनो। ये तीसरा यज्ञ है, पीछे की रोटी मोटी बनानी चाहिए, ये सत्य बात है, लेकिन पीछे की रोटी इंसान की नहीं कुत्ते की होती है। ये तीसरा यज्ञ है, पीछे की रोटी कुत्ते को डालो, कुत्ते के भाग्य का मत खाओ, कुत्ते को डालो। ये चौथा यज्ञ है, पहला अग्नि देवता को, दूसरा गाय को, और तीसरा कुत्ते को डालो। ये तीसरा यज्ञ है कि रोटी लास्ट की कुत्ते को डालो। चौथा यज्ञ है कि कोई तुम्हारे घर अतिथि आ जाए, कोई भी अतिथि आ जाए, उसका भगवान के रूप में स्वागत करो कि हमारे घर पर कोई दिन काटने ना आए, जो आए हमारे रंग में रंग जाए, हमें अपने रंग में रंगा जाए, हो जाए तो उसकी याद में हम रोए। अतिथि सत्कार करना, अतिथि सेवा करना, ये चौथा यज्ञ सुखदेव भगवान ने परीक्षित को बताया है। चौथा यज्ञ अतिथि सत्कार, अतिथि से प्यार करना, प्रेम करना, सेवा करना, सत्कार करना। अरे कुछ भी नहीं है घर पर तो तीन चीज मोल नहीं आनी, आओ बैठो पियो पानी, ये तीन चीज मोल नहीं लानी है, आओ साहब बैठो जी पानी पियो जी, ये तीन चीज थोड़ी मोल लानी, और इसमें ही स्वागत हो जाता है। ये चौथा यज्ञ है। पांचवा यज्ञ है गाय सेवा करना, गाय सेवा करना पांचवा यज्ञ है। गाय घर में होती है, अनेकों प्रकार के दलिद्र घर से चले जाते हैं, दुनिया भर के पाप घर से चले जाते हैं, घर शुद्ध हो जाता है, गौमूत्र से, गाय के चरणों से घर शुद्ध हो जाता है। जिस घर में गाय होती है वहां देवता अप्रत्यक्ष रूप में हर समय प्रकट रहते हैं। ये पांचवा यज्ञ है। छठवा यज्ञ है कि घर के बुजुर्गों की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो। ये छठवा यज्ञ है। घर के बुजुर्ग भूखे पड़े हैं, तुम कितने भी देवता नवा लो, कितने भी मंदिर जालो, तुम्हारा कुछ नहीं होना, भगवान प्रसन्न नहीं होना जब तक
सुखी नहीं है दुखी है, उनकी सेवा करना ये छठवां यज्ञ है। सातवां यज्ञ है गुरु की सेवा करना, जो गुरुजन होते हैं उनका ध्यान करना, उनकी सेवा करना, सुमिरन करना गुरु मंत्र का, ये सातवां यज्ञ है। और आठवां और सबसे महान यज्ञ है, जो इन सब सातों यज्ञों का पिता है, सबसे बड़ा यज्ञ है, वो है कन्यादान करना। ये नहीं सोचना है हमारे यहाँ तो न्योता नहीं आया, कार्ड नहीं आया, दावत खाने नहीं जानी है, तो हम कन्यादान क्यों भेजे। यथाशक्ति अगर पैसा नहीं है तो कन्यादान सिर्फ ऐसा ही नहीं कि पैसे का ही होता हो, सबसे बड़ा कन्यादान है जो आपके घर में है, आप यूज करते हैं, वस्त्र दान कर दो, वस्तु दान कर दो, कोई भी एक बर्तन दान कर दो, लेकिन ऐसा दान करना चाहिए जो अगली बेटी के काम आ जाए। ऐसा नहीं कि घर में काम नहीं आ रहा उसे चलो दान कर आओ। सबसे बड़ा यज्ञ है कन्यादान का यज्ञ। कन्यादान किसी भी बेटी का, और दुश्मन की बेटी का भी विवाह हो रहा हो, शादी हो रही हो, तुम नहीं जा रहे कोई बात नहीं, पड़ोसी के हाथों भिजवा दो, नाई के हाथों भिजवा दो, ब्राह्मण के हाथों भिजवा दो, लेकिन कन्यादान अवश्य। ये आठवां यज्ञ है। इन आठ यज्ञों को जो गृहस्थी करता रहता है समय समय पर, उसे जो अनेक प्रकार के पाप हैं जो न चाहते हुए हो जाते हैं, जैसे हम घर में उपले जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, उनमें कीटाणु मर जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मर जाते हैं, या फिर हम घर में झाड़ू पोछा करते हैं उसमें भी कीड़े मर जाते हैं, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए ये आठ यज्ञ सुखदेव भगवान ने परीक्षित को बताए हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित प्रिय व्रत जो थे उनके पुत्र आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के नाभि हुए, नाभि के ऋषभ देव जी महाराज हुए, ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र थे, जिनके सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी, जिन्होंने गंडकी नदी में तपस्या की थी, और अंत समय पर एक हिरण में ऐसी आसक्ति हुई कि अंत समय पर जैसी मति वैसी गति, कि उनको हिरण बनना पड़ा। इसीलिए तो प्रयास करते पूरे जीवन के, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारी जिज्ञासा को हरि का नाम लेने की आदत पड़ जाए, अंत समय पर संसार की तरफ ना भटक जाए, हरि की ओर हो जाए, तो आवागमन छूट जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हिरण बनना पड़ा। जब उनकी मृत्यु हुई तो हरि का नाम लेते लेते उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, तो फिर ब्राह्मण के घर में वो भरत बन करके आए। ब्राह्मण ने उनका नाम भरत रख दिया, लेकिन उनको दो जन्मों की बात याद थी, तो उन्होंने कोई भी कर्म कांड नहीं सीखा, तो उनके नाम के आगे जड़ लग गया, तो उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। जड़ भरत महाराज ने रौगण राजा को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, और रौगण राजा जड़ भरत के ज्ञान को सुनकर के वन में तपस्या करने के लिए निकल गए, और अनेकों वर्ष तपस्या करके रौगण राजा को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता, कि ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, दुनिया न सके जान तेरा क्या विचार है, ईश्वर तेरे दरबार।